शीट दी थी, यहाँ तक करवा दिया था, प्रूव एनालिटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कह रहे प्रूव कर दो, प्रूव क्या करना हो ही पड़ी है, प्रूव कैसे, क्योंकि अगर ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है तो ये फॉर्मूला तो फॉलो करेगी माइनस डी यू बाई टी एच। तो तुम यू की जगह एम जी एच पुट करोगे तो ग्रेविटी की फोर्स माइनस एम जी, जो कि वाकई सही होती है। तो ये रिजल्ट अगर एप्लीकेबल है इसका मतलब फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक आएगा नहीं, जस्ट बुक्स ऐसे बताती हैं कि कंजर्वेटिव क्यों है, जबकि हमने ये किया हुआ है। आपको याद होगा लास्ट टाइम ये प्रूव किया था, प्रूव दैट ग्रेविटी की फोर्सेस कंजर्वेटिव में कई रास्तों से हमने ब्लॉक को लेके गए थे और वर्क डन की वैल्यू सब में सेम थी, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती थी, इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ये एनालिटिकली है, मैथमेटिकली है, ठीक। तो ये जरूरत नहीं इसको करने की, मैंने बता दिया। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, आपको अब ये क्या नई चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं, हमने तो करके बंद भी कर दिया ये सारा काम। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, ये पूरी कहानी देखो कैसे समझा रहे हैं, तो कह रहे अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे एप्लीकेबल है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, वो मैंने आपको एग्जाम्पल से बहुत ईजी एग्जाम्पल से समझा दिया, ठीक। तो ये एप्लीकेबल है और इसको ओपन करेंगे तो ये एप्लीकेबल है, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल की वैल्यू विल रिमेन सेम। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये यही बात कह रहा है जो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। तो ये करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया सफिशियंट है, कोई नहीं पूछने वाला आपको इससे, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज में देखो